हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, कॉमर्शियल स्ट्रीट। ये कॉमर्शियल स्ट्रीट है भाई, बड़ा सुंदर है। पीछे शिवाजी नगर एरिया है, यहाँ पे कॉमर्शियल स्ट्रीट है, बड़ा तगड़ा भाई। कुछ भी लेना हो बड़ी सही जगह है ये। देखो अभी हम लोग आ चुके हैं कमर्शियल स्ट्रीट। अब यहाँ के कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद चलते हैं बढ़िया मस्त कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद जाना है कुछ अच्छी जगह। काफ़ी सुंदर है, रात में और सुंदर लगता होगा। तो भाई साहब अभी हम लोग कितना बज गया टाइम, 6 बजे शाम, 7 बज रहा है, 7 बज रहा है। अभी हम लोग फिलहाल कमर्शियल स्ट्रीट में है, डोसा खाने दे रहे हैं भाई, पिज़्ज़ा डोसा वो बड़ा सही है भाई, गजब का। देखो नज़ारे लो, देखो इतनी भीड़ है भाई, इधर इतनी भीड़ है। ये है पिज़्ज़ा डोसा, गजब का है भाई, गजब का टेस्ट, मतलब इधर लगातार पिज़्ज़ा बन रहा है, इसमें घूम रहे, मार्केट देख रहे, खरीद कुछ नहीं रहे, केवल देख रहे। कुछ चीज़ें खरीदी हैं, ये देखो मंदिर, जहाँ एक इस तरह का गेट है तो समझ मंदिर है, मंदिर है, मंदिर। चलो आओ भाई, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ आ गए। सामने देखो कितनी सही वो चर्च, कुछ अच्छी सी हैंडमेड क्राफ्ट कवर था बढ़िया, तो भी पता नहीं बांस की थी कि एक अपने यहाँ होती है लकड़ी सिरसौड़ी टाइप, उसकी थी, अच्छी थी, मन था लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था, तो फिर नहीं। अभी फ़िलहाल ये देखो लोग ऐसे झूले ले जाते हैं, अच्छा लगता है, मतलब ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है, हैंडमेड, लेकिन ये चलेगा नहीं अपने यहाँ।
भाई अगर कानपुर में ऐसा जाम लगा होता तो सब एक पूरी लाइन यहीं खड़ी होती, सब इस रोड में कम से कम 6 लाइन बनी होती। लेकिन यहाँ देखो इतना लंबा जाम है, सभी प्रॉपर एक के पीछे खड़े हैं, क्योंकि ऐसे ही निकल सकते हैं, वैसे फिर यहाँ तो ऐसे रोज़ रोज़ चक्के जाम हो जाए। सिस्टम सही है, लोग आदमी थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, फिर भी इतना ज़्यादा भीड़ है कि जा ही ना पाए। तो वो दूर तक सब एक के पीछे एक रहेंगे, कोई आगे नहीं भगेगा, भगा तो खड़ी आगे पुलिस। तो आज है करवा चौथ, पहला सदीक्षा का पहला करवा चौथ, और अभी उसी की तैयारी चल रही, सुबह से बहुत काम कर रही। और फिलहाल तो भाई साहब अभी ऑफिस ख़त्म करके बैठे हैं, थोड़ा सामान वामान लेकर आए और तैयारी चल रही है, दिखाते हैं मस्त। अच्छा काफ़ी कुछ बना, बेचारी जल गई, कुछ बना रही थी, ये देखो ये सब तैयारियाँ हो रही, ये देखो ये देखो पाइपन लगाया जा रहा, फूल लेकर आए। अरे भाई साहब बड़ा महंगा है यहाँ सीधे, तो अभी यहाँ तो भाई इतना बादल है, इतना बादल है कि चांद पता नहीं कैसे दिखेगा, बहुत बादल है। ये सब सामान रखा हुआ है सर, भगवान जी जय बोलो। और ये सारा सामान ले आए थे, हमने कहा चलो ले चलते हैं। के 7 बज रहे हैं, हाँ क्या अच्छा, तो अभी मम्मी को वीडियो कॉल कर लें ताकि जो चीज़ें हैं बता देंगी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, मतलब सुदीक्षा को पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें। तो बस बात करके फिर से बनाते, फिर ऊपर दिखाएंगे। अभी तो तैयार होने जा रही है, ये सब चीजें बन रही हैं, अभी मम्मी से बात कर रही हैं। हाँ मम्मी देखो सुंदर लग रहा है। रेडी देखो, हाँ चलें। वो पहले दीपक जला दो आके वहां से, वो भी से वो सब ला के दीपक यहाँ जलाओ रख के। बड़ी दिक्कत हो गई, अभी यहाँ पर तगड़ी बारिश हो रही पिछले आधे घंटे से, देखो बहुत तेज है। अब क्या किया जाए, ओ ये निकला है मसला कि धीरे धीरे हो रही, लंबा चलेगी। फिलहाल हम लोग जाके चावल ऐसे ही, मतलब सुदीक्षा जाके ऐसे ही चावल चढ़ा के फिर नीचे पूजा करेंगे, जो भी पूजा है। उनकी मीटिंग भी चालू हो गई यार, बड़ा गड़बड़ हो गया। देखो तैयार बैठी है, मीटिंग कर लेंगे, ऊपर हो रही बारिश तो यहीं से कर लेंगे पूजा, है ना सुदीक्षा, सही रहेगा। ऊपर नहीं, मम्मी कह रही यहीं से कर लो, भीगना नहीं, यहीं से कर लो और यहीं से दे दो बस, आओ पूजा पहले करो चल के। लगाओ सभी भगवान में टीका लगाओ, वो भी चढ़ा दो जो वो बनाया। हाँ माँ को अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ा था, जिसके कारण उसकी पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी
और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरा विश्वास के साथ करती रही। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उनका पति पुनः व्रत प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगी वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगी। करवा चौथ का व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन करने के लिए थाली में 13 जगह चक्रामे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। ये दिस इज व्हाट। तो इस तरह से करवा चौथ ये कथा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज करवा चौथ कथा। कुछ ज्यादा ही इंग्लिश इंप्रूव हुए हैं दोनों। समझी। तो इस तरह से होता है। चलो लो। सब ले लिए। अब एक एक करके डालो। कहाँ कहाँ है क्या बताओ इनका फिर से। बस हो गई पूजा उधर जाओ। फाइनली पूजा हो गई है। बारिश बंद नहीं हुई। पूजा जैसे तैसे हो गई। तो फिलहाल अब चेक करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता की। जय हिंद।